नेक्स्ट है कमेटी को डिफाइन किया गया यहाँ पर कमिटी मींस कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द एक्ट सेक्शन ट्वेल्व हमने पढ़ा था माइंस एक्ट में उस सेक्शन ट्वेल्व के अंदर में जो कमेटी बनाई गई थी वही मीनिंग कोल माइन रेगुलेशन में भी एप्लीकेबल होगी यहाँ यानी सी एम आर के अंदर में जहाँ जहाँ कमेटी को रेफर किया जाएगा वो सेक्शन ट्वेल्व ऑफ माइंस एक्ट में जो बनी हुई कमेटी है उसको रेफर करेगा इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक डाल दूंगा आप चाहे तो देख सकते हैं कमेटी के डेफिनेशन कमेटी का अपॉइंटमेंट डिटेल में नेक्स्ट डिफाइन किया गया कॉम्पिटेंट पर्सन को कंपिटेंट का क्या मतलब होता है सक्षम पर्सन मतलब सक्षम आदमी कौन आदमी सक्षम है इन रिलेशन टू एनी वर्क और एनी मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज अटेंडेड द एज ऑफ ट्वेंटी ईयर्स एंड हु हैज़ बीन ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर एज अ पर्सन कंपिटेंट टू सुपरवाइज और परफॉर्म द वर्क और टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट एंड हु इज़ हुपांसिबल फॉर द ड्यूटीज असाइन टू हिम एंड इंक्लूड्स अ शॉर्ट फायरर अब कॉम्पिटेंट पर्सन के क्या क्या लक्षण है पहला लक्षण है कि उसकी उम्र कम से कम बीस साल होनी चाहिए दूसरा लक्षण है कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो मैनेजर के द्वारा राइटिंग में होना चाहिए फिर क्या कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट क्यों किया जाएगा मतलब कोई भी मशीनरी हो प्लांट हो इक्विपमेंट हो उस पर वर्क करने के लिए या फिर किसी वर्क का सुपरविजन करने के लिए यानी किसी मशीन प्लांट और इक्वमेंट के फंक्शनिंग को देखने के लिए उसको सुपरवाइज़ करने के लिए उसके अंदर चार आदमी हो उनसे काम कराने के लिए और वो जो भी काम कराएगा या करेगा वो सब के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो ये है कॉम्पिटेंट पर्सन की डेफिनेशन फॉर एन एग्जाम्पल देखिए जैसे एक डम्पर ऑपरेटर है तो डम्पर ऑपरेटर को क्या होगा कि अपॉइंट किया जाएगा मैनेजर द्वारा राइटिंग में और वो उसकी ड्यूटी होगी डंपर को चलाना सेफली चलाना सही से चलाना सारे ऑपरेशंस ढंग से करना सेफली करना नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर पहले कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन नहीं थी सी के अंदर में आजकल माइनिंग जॉब में कॉन्ट्रैक्टर का डिप्लॉयमेंट है काफ़ी बढ़ गया है पहले इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे आजकल कोल निकालने के लिए ओवरबर्डन रिमूव करने के लिए सर्विस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कभी कभी डिज़ाइन आइडियाज़ प्रोवाइड करने के लिए साइंटिफिक स्टडी कराने के लिए इन सब के लिए लोग कॉन्ट्रैक्टर माइनिंग कंपनीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करती है इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को डिफाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस माइन सी के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर मीस एन इंडिविजुअल कोई अकेला हो सकता है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स यानी चार पांच लोग मिल कोई एसोसिएशन फॉर्म किए वो हो सकते हैं कंपनी हो सकती है कोई फर्म हो सकती है कोई लोकल अथॉरिटी कोई लोकल बॉडी हो सकती है हु प्रोवाइड्स फॉर द सर्विसेज और ऑपरेशन इन अ माइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड इंक्लूड्स अ सब कॉन्ट्रैक्टर यानी कोई भी इंडिविजुअल हो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो कंपनी हो फर्म हो लोकल अथॉरिटी हो लोकल बॉडी हो जो कि माइन में सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या ऑपरेशंस में हेल्प करो यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हो किसी माइन में उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर और ये ये जो कॉन्ट्रेक्टिक डेफिनेशन ये सब कॉन्ट्रैक्टर को भी इंक्लूड करती है सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने अपॉइंट किया किसी माइनिंग कंपनी ने अपॉइंट किया तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करता है कि अपने कुछ छोटे छोटे काम किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर देता हो तो वो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर नेक्स्ट है डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये तो मीन्स ड्रिल होल्स मोर देन थ्री मीटर्स इन डेप्थ एंड यूज फॉर ब्लास्टिंग इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन डीप होल का कंसेप्ट जो भी आएगा वो ओपन कास्ट माइन के रिलेशन में आएगा और ऐसे होल जिसकी डेप्थ तीन मीटर से ज़्यादा हो नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइनर इसकी डेफिनेशन सीएमआर में पहले नहीं थी अब आई है डिज़ाइनर मीन्स एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु डिज़ाइंस अ कोल माइनिंग सिस्टम मेथड ऑफ कोल माइनिंग मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइन्स डिज़ाइनर में देखिए काफ़ी वाइड डेफिनेशन बनाई है बाकी बहुत लोगों को उसने कवर किया इस डेफिनेशन ने कोई इंडिविजुअल हो सकता है कोई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं कोई कंपनी हो सकती है कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि कोई कोल माइनिंग का सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हो इवन कोई मेथड डिजाइन कर रहा हो कोई मशीनरी डिजाइन कर रहा हो कोई प्लांट डिजाइन कर रहा हो कोई इक्विपमेंट डिज़ाइन कर रहा हो कोई अप्लायंस डिजाइन कर रहा हो या कोई ऐसा कोई सब्सटेंस डिज़ाइन कर रहा हो जो कि माइन में यूज़ किया जाए कोल माइन में यूज़ किया जाए उसको बोलते हैं डिजाइनर नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूड वर्किंग ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको अब इसमें क्लियर डिस्टिक्शन याद रखेंगे पहले हमने पढ़ा था अबैंड वर्किंग अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन अ माइन एज हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीज़न एंड आर इनएक्सेसबल और रेंडर्ड इनएक्सेबल बट आर लाइकली टू बी वर्क अगेन यानी ऐसी कोई भी वर्किंग माइन वर्किंग जो कि डिसकन्टीन्यू कर दी गई है किसी भी रीज़न से यानी उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और हो सकता है कि वो इनएक्सेबल हो यानी yani वो वहाँ माइंड में वर्किंग में जाने लायक रास्ता ना हो जाने योग्य ना हो या उसको ऐसा बना दिया हो कि वो जाने लायक बची नहीं है तो उसको बोलेंगे डिसकन्टीन्यूड वर्किंग डिस्कन्टीन्यूड वर्किंग अबैंड वर्किंग से अलग है फिर आती है डिसयूज वर्किंग्स मीन्स सच वर्किंग इन अ माइंड वेअर वर्क हैज़ बिन टेम्परली स्टॉप्ड बट विच आर एक्सेबल एंड इंक्लूड अनयूज वर्किंग्स डिसयूज वर्किंग का मतलब है ऐसी माइंड वर्किंग जहाँ पर वर्क को टेम्प्ररली स्टॉप कर दिया गया हो उसको बोलेंगे डिसयूज वर्किंग ये डिसयूज वर्किंग जो है डिसकन्टिन्यूड वर्किंग और अबैंड वर्किंग दोनों से अलग है और डिसयूज वर्किंग के साथ क्या है एक चीज खास बात बट विच आर एक्सेबल यानी डिसयूज वर्किंग में जा सकते हैं हमेशा जा सकते हैं जाने लायक होती है एंड इंक्लूड अनयूज वर्किंग अब यहाँ पे एक वर्ड आया अनयूज़ वर्किंग जैसे इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे आपने कोई पेन खरीदा नया आपने पेन को क्या किया ना पेन को आपने कुछ दिन यूज़ किया उसके बाद पेन को रख दिया तो आपने क्या किया पेन का यूज़ को डिसकन्टिन्यू कर दिया एक्चुअली वही पेन क्या होता आप यूज़ करते करते और फेंक देते कभी ऐसा होता कि अब इस पेन को कभी यूज़ करना ही नहीं है वो हो जाता अबैंडन कर दिया आपने अनयूज़ का मतलब क्या हुआ आपने कोई पेन खरीदा पेन से पेन को यूज़ नहीं किया आपने रख दिया एज़ इट इज़ तो उसको बोलेंगे अनयूज यानी कोई चीज़ है उसको यूज़ नहीं किया माइनिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें अनयूज का मतलब हो गया जैसे कोई वर्किंग है अंडरग्राउंड में रास्ता है सब कुछ जाने का है फेस ओपन करके रखा हुआ है फेस का मूवमेंट अभी चल नहीं रहा है वर्किंग का प्रोग्रेस नहीं हो रहा तो वो वाली जो वर्किंग आएगी ना वो अनयूज वर्किंग के कैटेगरी में आएगी ये देखिए एक एग्जाम्पल जो फोटोज मैंने आपको पहले दिखाई थी राइट right साइड में जो इमेज देख रहे हैं ये क्या है एक डिसकंटिन्यूड वर्किंग है यानी इस वर्किंग में क्या किया गया था इसको पहले फेंस लगा करके लॉक कर दिया गया था जब आपने लॉक खोला तो इसके अंदर एक्सेस किया जा सकता है यानी इसमें काम दोबारा चालू किया जा सकता है ये है डिसकन्टीन्यूड वर्किंग और लेफ्ट साइड में आप देखते हैं इसको आप डिसयूज वर्किंग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई काम नहीं चल रहा है जस्ट एक है वर्किंग है इसके अंदर फ्यूचर में कभी काम किया जा सकता है ये डिसकन्टीन्यूड वर्किंग के डेफिनेशन से बाहर है क्योंकि तो इसमें रास्ता हमेशा एक्सेसिबल होता है डिसकन्टीन्यूड में क्या है इक्सेसिबल होती है और या इनएक्सेबल उनको बना दिया जाता है नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी माइन मीनस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डेप्यूटी कमिश्नर एज द केस में बी हु इज वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन विच द माइन इज सिचुएटेड यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में माइन सिचुएटेड है उस माइन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डीएम या डीसी हो सकता है कुछ स्टेट में डीएम बोलते हैं कुछ स्टेट में डीसी बोलते हैं इस वजह से यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हैं साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन है क्या प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ माइन विच इज सिचुएटेड पार्टली इन वन डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टली इन अनदर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ दिज रेगुलेशन शैल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथोराइज इन दिस बिहाव बाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ऐसी कोई भी कोई माइन जिसकी आधी बाउंड्री एक डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही हो और आधी बाउंड्री दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रही हो तो उसमें ये डिस्प्यूट आ सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा माइन्स एक्ट के अंदर और सी के अंदर में तो उस केस में क्या है कि जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी यानी ऑथोराइज़ करेगी कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे पावर ऑथोराइज़ कर सकता है उस माइंड के रेस्पेक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा नेक्स्ट एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव को डिफाइन किया गया है शल हैव द सेम मीनिंग एज इज़ असाइन टू इट इन द एक्सप्लोसिव एक्ट एटीन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में जो भी एक्सप्लोसिव की मीनिंग डिफाइन की गई है वही एक्सप्लोसिव की मीनिंग यहाँ भी रहेगी सी के अंदर भी ये देखिए एक्सप्लोसिव की मीनिंग आ, मैंने आपको रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पर कॉपी कर करके रखी है अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक्सप्लोसिव की मीनिंग पढ़ सकते हैं डिटेल में नेक्स्ट है फेस फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी रोडवे और ट्रिफ्ट ये एक टिपिकल फेस बना हुआ है कॉमन जिस तरह से लेआउट दिखता है ये प्लान व्यू है इसमें आप देख सकते हैं ये गैलरी है डेवलपमेंट के लिए मार्किंग्स की की गई हैं येलो में डेवलपमेंट इन्हीं लाइंस के अलाग इन्हीं डायरेक्शन में होना है यहाँ पे एक चीज़ लिखी है लास्ट में वर्किंग प्लेस और द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी अब इन बाय और आउट बाय अब कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है शाफ्ट से जब भी आप शाफ्ट की तरफ जब भी बढ़ेंगे या किसी इंक्लाइन के मतलब आउटर मोस्ट पोर्शन की तरफ जब भी आप बढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे आउट बाई और जब भी अंदर जाएंगे तो बोलेंगे वो इन बाय यानी इन बाई मोस्ट एंड बोल रहा है यानी फेस में आप अगर एंटर करते हैं तो फेस का जो एकदम राइट मोस्ट पोर्शन है जहाँ पे ब्लैक होल दिख रहा है ये वाला पोर्शन इसको बोलेंगे इन बाय एंड तो ये इन बाई है और अगर आप यहाँ से आप इधर जाएंगे तो इसको बोलेंगे आउट बाई एंड ठीक है इस गैलरी का ये इन बाय हो गया इस गैलरी का ये आउट बाई हो गया ये हमेशा याद रखेंगे वेंटिलेशन में आपको ये वर्ड बहुत परेशान करने वाला आ गए नेक्स्ट है फायरी सीम फायरी सीम किसको बोलेंगे मीन्स अ सीम इन विच फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग लाइन विद इन द प्रेजेंस ऑफ अ माइन ऐसी कोई भी सीम जिसमें डायरेक्टली या तो फायर एग्जिट कर रही हो या स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट कर रही हो यानी कोल हो सकता है बर्न नहीं भी कर रहा हो लेकिन स्पॉन्टेनियस हीटिंग शुरू हो गई हो जिस सीम के अंदर में स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट कर रही हो चाहे अंडरग्राउंड में या फिर ओपन कास्ट माइंड में उसको बोलेंगे फायरी सीम साथ में यह एक चीज है विद इन द प्रेसेंस ऑफ यानी फायरी सीम को जब भी बोलेंगे हम एक माइन के रिलेशन में बोलेंगे माइन की बाउंड्री के अंदर रिलेशन में बोलेंगे हो सकता है जैसे कोई सीम है थ्रू आउट द बीस किलोमीटर स्पैन हो बीस किलोमीटर तक रन कर रही हो और एक पर्टिकुलर माइन के बाउंड्री के अंदर में वही सीम फायरी सीम हो सकती है लेकिन उस माइन के बाहर अगर जाएँ हो सकता है किसी दूसरी माइन की बाउंड्री में अगर वही सीम पड़ रही है वहाँ पर वो फायरी सीम नहीं हो सकती है क्योंकि उस हो सकता है दूसरी जो माइन है वहां पे फायर एग्जिस्ट नहीं कर रही हो हीटिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही हो ये दो दो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये फोटोग्राफ्स रियल फोटोग्राफ्स हैं ये झरिया है कोल फील्ड के यहाँ पे आप सीन देख सकते हैं कैसे आग लगी हुई है नेक्स्ट है डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन किया गया है फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू द लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द दसिव ईयर कोई भी साल हो उसका एक अप्रैल से लेकर के उसके जो अगला साल आने वाला है उसकी 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर फिर आती है फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर की बात फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर को डिफाइन किया गया होता क्या है शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी इन इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन टू यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2010 जो बना है उसके अंदर जो फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर को डिफाइन किया गया उसकी मीनिंग यहाँ पर भी सेम होगी डेफिनेशन में जाते हैं समझते हैं पहले फ्लेम प्रूफ इंक्लोज़र होता क्या है कोल माइनिंग के साथ सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है कि कोल माइनिंग मिथेन जैसी गैस मिल सकती है जो कि एक्सप्लोजन का कारण बन सकती है अगर कहीं से स्पार्क हो जाए तो कोल माइनिंग में क्या है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे यूज़ होते हैं आजकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्पार्क होने के साथ वो मिथेन को इग्नाइट कर सकते हैं कहीं भी माइन के अंदर में इससे बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेम प्रूफ इंक्लोज़र यानी कि अगर कोई भी स्विच हो या कोई भी आ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो उसको एक इंक्लोज़र में रखा जाता है वो इनक्लोज़र क्या करता है कि जब भी उसके अंदर अगर कोई स्पार्क हो जाए या अगर मिथेन अगर इंक्लोज़र के अंदर कॉन्टैक्ट में आ जाए अगर उसके अंदर छोटा मोटा ब्लास्ट भी हो जाए तो जो फ्लेम हो गई ना फ्लेम बाहर तक निकलते निकलते ऐसी ठंडी हो जाती है कि बाहर के मिथेन को वो इग्नाइट नहीं कर सकती जो भी ब्लास्टिंग होना जो भी बर्निंग होनी है वो पूरी पूरी इंक्लोज़र के अंदर ही रही इनक्लोज़र इतना सेफ रहेगा कि उसको आउटर एटमोसफियर से हीट को आइसोलेट करके रखेगा ये आप जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक बना हुआ डायग्राम जैसे यहाँ पर ये मिथेन ब्लास्ट कर गई यहाँ पे इस टाइप का अरेंजमेंट है ये इतना थिन गैप होता है पोस्ट कार्ड साइज़ गैप बोलते हैं इसको एक पोस्ट कार्ड की थिकनेस के जैसा गैप होता है और इतनी मोटी थिकनेस होती है स्टील की कि यहाँ से निकलते निकलते पूरी हीट ही डिसिपिएट हो जाती है जस्ट एक स्मोक बाहर निकलता है और ये स्मोक के टेम्परेचर इतना नहीं रहता कि बाहर इग्नाइट कर सके मिक्सचर को मीथेन के मिक्सचर को इग्नाइट कर सके